हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची, ये हम लोग ओरमांझी आज घूमने के लिए आए हैं और आज आपको हम इसकी सैर कराएंगे। ये देखिए इसका बाहर का कैसा दिखता है, ये बाहर का सीन है। ये फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। ये दिसंबर के महीने में हर कोई आते हैं पर्यटन करने के लिए यहाँ पे। और देखिए ये NH 33 के किनारे ये बिरसा जैविक उद्यान है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका एंट्री गेट है। अब हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। थोड़ी सी धूप है इसलिए आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ना यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। और ये देखिए गाड़ी पार्किंग करने की कितनी सुविधा है और काफ़ी बड़ा स्पेस भी है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं इधर आते हैं जब भी घूमने के लिए। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ कतार में लगी हुई हैं, ये सब गाड़ी पार्किंग करने के स्थान हैं। बाकी आप बाइक से आते हैं तो बाइक के पार्किंग करने के लिए भी स्थान है ना। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं टिकट वेट की व्यवस्था है कि यहाँ पे कि निःशुल्क है। ये देखिए फ्रेंड, दिसंबर के महीने में करीब करीब सब घूमने के लिए आते हैं। कितना भीड़ है यहाँ पे, हमको लगता है जैसे लाखों लोग होंगे इसमें यहाँ पे। देखिए कितना भीड़, और अंदर काफ़ी लोग जा चुके हैं और काफ़ी बड़ा एरिया भी है अंदर में। जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है भवन, ये टिकट काउंटर है। ये देखिए वहाँ पर दिख रहा होगा टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट कसवा सकते हैं। 40 रुपया का मात्र शुल्क है यहाँ पे, पार्क में एंटर करने के लिए 40 रुपया शुल्क लगेगा और गाड़ी पार्किंग के लिए लगेंगे आपको 20 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे एंट्री गेट। ये रहा आप एंट्री गेट, अब चलिए हम लोग एंटर करते हैं। टिकट हमने कटवा लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए ये एंट्री गेट है, अब हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पर टिकट दिखाना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग एंटर कर गए हैं और इसके अंदर का नज़ारा थोड़ा आप देख लीजिए, खूबसूरती इसकी अभी से ही पता चल रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है जैसे बैटरी चालित वाहन टिकट काउंटर। अगर आप बैटरी चालित वाहन में बैठ करके सफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप साइकिल की सुविधा से जाना चाहते हैं, साइकिल में भी घूम सकते हैं आप, तो इसके लिए भी है ना। और देखिए जाना किधर से है, तो इधर रास्ता दिखाया गया है, उधर से अब हम लोग चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप हम लोग ना मोर वाले बाड़े में आ गए हैं। यहाँ देखिए आपको मोर नज़र आ रहे होंगे और भी कई सारे पक्षी हैं। मोर उधर भी है, थोड़ा उधर भी जाके हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये ब्लैक स्वैन काला हंस का है ये साइन बोर्ड। और इधर देखिए आपको काला हंस नज़र भी आ रहा होगा, कितना खूबसूरत, आप इसकी चोंच देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ब्राह्मणी बत्तख भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पीकॉक आप देख सकते हैं, कितने सारे पीकॉक हैं यहाँ पे, कितने खूबसूरत हैं। और वो एक वाइट कलर का है ये। ये देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा ब्राह्मणी डक, है ना, बहुत खूबसूरत। देखिए इसकी खूबसूरती, थोड़ा अगर पास आ जाता तो ज़्यादा हम अच्छे से देख पाते। वैसे आप देख पा रहे होंगे इसकी, देखिए गर्दन कितनी लंबी है, चोंच इसके कितने खूबसूरत कह सकते हैं या भयानक कह सकते हैं कुछ भी। ये देखिए और भी पक्षी हैं कई सारे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग एमू को देखने के लिए, ये देखिए फ्रेंड, ये एमू को आप करीब से देख सकते हैं। लकीली ये हमारे सामने है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए एमू 1 2 3 4 कितने सारे संख्या में है। एक इधर कोना में दिख रहा होगा आपको।
ये देखिए फ्रेंड, ये बटेर पक्षी, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एशियन कोयल है और ये देखिए बहुत ही गजब तरीके की ये दिख रही हैं, एकदम भारतीय कोयल से अलग दिख रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग के बाड़े में हम लोग आ गए हैं। ये देखिए शुतुरमुर्ग खाना खा रहा है, ये देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग, ये देखिए हम लोगों के सामने बाड़े में देखिए। और इसका अंडा जो है सबसे बड़ा अंडा माना जाता है विश्व में, और सबसे बड़ा पक्षी भी है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, सुनहला तीतर, इसके पास हम लोग आ गए हैं, ये छिप गया है। और एक इधर भी है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। ये देखिए सुनहरा तीतर, ये देखिए ये है लेडी एमहस तीतर, और उधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा चील। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे चील हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे चील हैं, और इनका देखिए टिफिन बॉक्स रखा हुआ है चिकन। ये देखिए ये है गरुड़। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे फिश खा रहा है, नोच नोच के फिश खा रहा है। ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये नीचे में फिश है, और ये देखिए गरुड़ कितने बड़े साइज़ में होते हैं ये गरुड़। मुझे तो बहुत डेंजर लग रहा है देखने में, और कैसे फिश नोच नोच के खा रहा है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं भारतीय बाघ के बाड़े में, और देख चलिए खोजते हैं बाघ किधर है। ये देखिए फ्रेंड, टाइगर आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, टाइगर सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ओर ही आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं इसको, कितना खतरनाक है। ये देखिए टाइगर को देखने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये है वाइट टाइगर। ये देखिए कैसे गुर्रा रहा है, बड़ा खतरनाक दिख रहा है ये। ये देखिए, अगर आप यहाँ और मांझी आते हैं तो आपको वाइट टाइगर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए पास से इतना खतरनाक, शायद इसे भूख लगी है। ये देखिए फ्रेंड, एक और टाइगर हमें मिल गया है, ये भारतीय टाइगर है, ये भी बहुत खूंखार दिख रहा है मुझे। ये देखिए, ये देखिए लकीली ये इधर आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पे अभी तीन तीन टाइगर देखे, ऐसे दो तो इंडियन थे और एक वाइट टाइगर हमने देखा। ये देखिए दो टाइगर वहाँ से शायद एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ हैं तो एक बार आप घूमने ज़रूर आइए और मानसी, आपको बहुत एंजॉयमेंट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे तेंदुआ, लेकिन तेंदुआ देखने से पहले आप पहले खूबसूरत फूल देख लीजिए, क्योंकि टाइगर देख के ऑलरेडी मुझे बहुत डर लग गया है। पहले हम ये गुलाब की वाटिका में पहले हम इसका भ्रमण कर लेते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर रेड रोज़, पिंक रोज़ और येलो रोज़ खिले हुए हैं, देखिए इसकी खूबसूरती। मन खुश हो गया इस पार्क में आकर के। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ हैं तो आइए ज़रूर। चलिए ये देखिए, ये पार्क के ये जो है छोटी सी रास्ते के दोनों किनारे ये बने हुए हैं, ये वाटिका आप देख सकते हैं, दोनों साइड सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। और ये देखिए जाने का रास्ता है, ये देखिए फ्रेंड इस पार्क का नज़ारा ही देखिए कुछ और, कितने लोग आए हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये वाटिका, गुलाबों की वाटिका, और इधर लोगों का भीड़ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लोगों का भीड़, एक्चुअली वो तेंदुआ वाला बाड़ा है, वो आप उसमें तेंदुआ है, हम लोग भी चलेंगे देखते हैं तेंदुआ को।
ये देखिए, ये रहा हमारा तेंदुआ, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, हाँ ये देखिए फ्रेंड, ये करीब आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये चढ़ रहा है। एक और वहाँ पे आप तेंदुआ देख सकते हैं, ये देखिए वहाँ एक सोया हुआ तेंदुआ है, एक दूसरा तेंदुआ वहाँ पे चढ़ गया, ये देखिए दोनों उड़ जाए तो कुछ नज़ारा ही बदल जाए, दोनों हम साथ देख सकते हैं। हाँ ये देखिए फ्रेंड, ये हम तेंदुआ देख लीजिए, ये अभी बैठ गया नीचे में, एक ऊपर में और है सोया हुआ, ये देखिए ये बिल्कुल चीते से मिलता जुलता। ये देखिए फ्रेंड, ये काला तेंदुआ है, ये तो ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है और बैठा हुआ है, इधर आने के मूड में भी नहीं है। ये देखिए जितना दिख पा रहा है इधर से उतना आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खटास, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सो ये इनके आराम करने का समय है, इनके आराम में खलन नहीं डालते हैं। ये देखिए ये खटास है, इतनी सारी भीड़, इतनी सारी संख्या में लोग आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और ख़ास करके ये दिसंबर का महीना होता ही है घूमने का, तो इस दृष्टि से भी ये जो स्थान है, और ख़ास करके यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छा आप देख सकते, क्योंकि हमने देखा पहले, क्योंकि उसमें टाइगर थे, बहुत सारे टाइगर थे, तेंदुआ था, बहुत सारे जानवर रखे गए थे। ये देखिए फ्रेंड, ये चीता बिल्ली है, ये देखिए एकदम चीते के समान दिखता है, पर ये चीता नहीं है, ये बिल्ली है, इसको चीता बिल्ली कहा जाता है। ये देखिए इधर भी एक चीता बिल्ली आपको नज़र आ गया, और एक इधर भी है, ये देखिए ये साहब ये आराम फरमा रहे हैं, चीता बिल्ली। ये देखिए फ्रेंड, ये जंगली बिल्ली है, ये एकदम घरेलू बिल्ली बिल्ली की जैसा ही है, लेकिन ये जंगल में रहने वाली बिल्ली है। ये देखिए, हाँ देखिए ये अपना मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों बिल्ली, दोनों दोस्त, दोनों भाई, ये देखिए दोनों खेलते हुए मस्ती करते हुए, और एक देखिए शाखा पे ये सोया हुआ है, आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इधर आ गए हैं, इधर आपको लायन देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे बोटिंग भी होता है, इधर आपको एलिफेंट मिलेगा, प्लस यहाँ पे सांप घर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अब इधर से इस रास्ते से होते हुए अब हम लोग चलेंगे, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उधर एलिफेंट है, सिंह है, सब देखिए। ये देखिए फ्रेंड, ये आप बैटरी वाला जो गाड़ी हमने शुरू में देखा था, इस पर आप बैठ के सैर कर सकते हैं, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये हम लोग ना लायन के बाड़े में आ गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ है शेर, लेकिन वो सोया हुआ है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, घास के पीछे सोया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं लायन गार्डन में, और आप देखिए यहाँ पे गुलाब का फूल, लाल लाल गुलाब के फूल, देखिए ये गार्डन कितना सुंदर, लाल पीला हरा नीला हर चीज़ से ये परिपूर्ण है, हर कलर के गुलाब का फूल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसकी खूबसूरती देखिए, चकाचौंध है, मन खुश हो गया इस गार्डन में आके। अब हम लोग आ गए हैं एलिफेंट गार्डन, ये देखिए ये है एलिफेंट गार्डन, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर गेंदा के फूल, ये देखिए, और इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। लायन गार्डन में तो हमें लायन नहीं मिला, लेकिन आपको एलिफेंट गार्डन में एलिफेंट ज़रूर मिलेगा, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, एलिफेंट गार्डन में एलिफेंट हमें मिल गया, भले ही लायन गार्डन में लायन ना मिला हो। और आप बगल का देखिए कितना खूबसूरत सा ये फूल, देखिए गेंदा के फूल, एलिफेंट है इसमें और एलिफेंट का बच्चा है। ये देखिए इधर का देखिए बैकग्राउंड इसका, जो एलिफेंट गार्डन का है, ये देखिए इसका खूबसूरती देखिए कितनी सुंदर।
कितना मनमोहक दृश्य है, मन खुश हो जाएगा, मिजाज फ्रेश हो जाएगा। ये देखिए ग्रास का बना। एक बार फिर हम लोग लाइन गार्डन में, और गुलाब की खूबसूरती देखिए देखिए। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं एकदम कैंटीन के पास। अगर आप बाहर से आए हैं, क्योंकि बाहर से अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान लेके आना मना है, तो यहाँ पे कैंटीन भी है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। यहाँ सारी जो आपकी पसंदीदा डिश हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए और कितने सारे भीड़ है यहाँ पे, सभी यहाँ पे अपना भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए और इसके बगल में देखिए क्या है खास। ये देखिए फ्रेंड, ये कैंटीन के जस्ट बगल में ये नौका विहार के लिए आप नौका विहार आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे बोट हैं इधर, और काफ़ी लंबा चौड़ा भी ये नहर बनाया गया है। ये देखिए कितनी दूरी तक है, और यहाँ पे लोग बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे नौका विहार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इधर का दूसरा हिस्सा है नहर का। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है ये नहर, देखिए इसमें ये जो है डक भी है, देखिए। और यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल टाइगर बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये बाउंड्री के बाहर है एक झील, आपको खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर और निर्मल इसका जल दिख रहा है बहुत ही, और काफ़ी लंबे चौड़े ये एरिया में है। और ये देखिए ये कुआं बना हुआ है, ये बाउंड्री के अंदर है। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं भालू के बाड़े में। ये आपको भालू दिख रहा है होगा, एक दूर में दिख रहा है, प्लस एक नीचे में भी एक भालू है। आप देख सकते हैं ये भालू जो नीचे में है वो काफ़ी बड़े साइज का है, और ये ऊपर में है वो थोड़ा कम, शायद वो बच्चा है, आप देख सकते हैं। एक देखिए भालू फ्रेंड्स, ये सामने की ओर आ रहा है, बिल्कुल हमारे कैमरे के नज़दीक आने वाला है। वो भालू पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, एक भालू और हमारी तरफ आ रहा है जस्ट हमारे कैमरे से। आप उसके नाखून देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं, और ये चल रहा है, इसका चलने का तरीका देखिए, इसके चलने की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, और अपने शिकार को ये बहुत अच्छे से पंजा मार सकता है। ये देखिए हमारे सामने बिल्कुल करीब आ गया है ये भालू। ये देखिए कितना आदमखोर टाइप सा दिख रहा है, मुझे तो देख के डर लग रहा है। ये देखिए कितना खतरनाक, एकदम हमारे सामने एकदम आ चुका है ये भालू। ये देखिए शायद ये अपने दोस्त की तलाश में है जो नीचे में है, और ये उन तक पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। ये देखिए ये नीचे उतरने चाह रहा है लेकिन उतर नहीं पा रहा है। ये देखिए ये हिमालयन ब्लैक बियर, ये काला भालू है, और आप देख सकते हैं एक यहाँ है काला भालू, और एक नीचे में भी है जो नीचे की ओर जा रहा है। देखिए ये देखिए एकदम हम लोग भालू के करीब आ चुके हैं, और यहाँ से आपको एक भालू यहाँ नज़र आएगा, और एक भालू देखिए वो अपने रूम के पास है, और एक चौथा भालू देख सकते हैं। ये रहा हमारा चौथा भालू, इतने सारे भालू हैं, और ये भालू के रहने का स्थान है। ये देखिए गुफा टाइप सा बना हुआ, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं मगरमच्छ को देखने के लिए। देखिए एक मगरमच्छ हमें मिल गया है जो सोया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, आपको दिख पा रहा होगा। इसके दांत देखिए, इसके दांत देखिए, और कितना ये खतरनाक दिख रहा है, और इसका कलर जो है ये सीमेंट कलर का है, स्लेटी कलर का है इसका कलर। फिलहाल तो हमें एक ही नज़र आया है, और बाकी अब थोड़ा सा पानी में दिखाएं, ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा है दूसरा, लेकिन इसके अंदर और भी कई सारे मगरमच्छ हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है ये मगरमच्छ। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग शाही वाले बाड़े में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे शाही हैं यहाँ पे। ये जो है इनके शरीर को आप बनावट देख सकते हैं,
ये इनको बाघ भी नहीं खा पाता है, क्योंकि जब इनको पता चलता है कि इन पर अटैक होने वाला, तो ये इसके शरीर में जो है आप देख सकते हैं, जो बाल कह सकते हैं, ये एकदम कांटे जैसे होते हैं। इसे कोई भी आदमखोर, मतलब कि खाने वाला जो भी जानवर है, इनको अपना शिकार नहीं बना सकता है। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं नील गाय वाले बाड़े में। ये देखिए कितने सारे नील गाय आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर ये बड़ा वाला है, प्लस इसके इधर देखिए बच्चे हैं इनके, काफ़ी सारी संख्या में नील गाय हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ये आ गए हैं बाड़े में किसके, ये है सांभर। ये सांभर के बाड़े में काफ़ी सारी संख्या में नीलगाय भी थे, प्लस सांभर भी हैं। ये देखिए इधर भी हैं और उधर अंत में भी, उधर आपको नहीं दिखेगा, इधर इधर आप देख सकते हैं सांभर। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं एलिफेंट वाले बाड़े में। ये देखिए इस एलिफेंट का नाम है सम्राट, ये नन्हे सम्राट हैं। एक ही है, एक नहीं एक और हाथी है, ये रहा एक और हाथी है। ये देखिए मुझे अब तक तो दो ही हाथी नज़र आए हैं। देखिए नीचे उतरे, ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा हाथी, दो हाथी हैं इसमें। ये देखिए जिस पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे फिलहाल एंड कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी जू घूमना बाकी है, इसका पार्ट टू हम तुरंत अपलोड करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।